वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट शो गाइस, मेरा नाम है मेघा और आज धमाकेदार मुकाबला है चेन्नई वर्सेस राजस्थान। दोनों टीम्स ये मैच जीतना चाहती हैं, लेकिन आप भी जीतना चाहते हैं स्पॉटी जैकपॉट पर रैंक और रिवॉर्ड्स। तो ये सब करने के लिए, जीतने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना है, कौन से प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं आज के मैच पर। बात करें अगर चेन्नई की, तो ये ज़्यादातर डिपेंडेंट है अपने स्पिन बॉलर्स पर, जो अभी कुछ खासा रिजल्ट निकाल कर दे नहीं रहे हैं। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें, तो इनके पास बड़े खिलाड़ी हैं जैसे कि बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, जो डेफिनेटली आज के मैच को जीतना चाहेंगे और एक बड़ी इनिंग खेलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जब इन्होंने पहला मुकाबला चेन्नई के साथ खेला था, तो पूरी तरीके से हराया था, कॉन्फिडेंस में ये होंगे। लेकिन आज का जो पिच है, वो कौन से प्लेयर्स को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। आज का मुकाबला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। अबू धाबी की ये पिच बैट्समैन एंड बॉलर दोनों को इक्वली सपोर्ट करती है। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला सही रहेगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि इस पिच पर रन्स को चेस करना काफ़ी मुश्किल रहा है। 160 का रन अबव एवरेज है, और अगर ये रन बन जाए तो सामने वाली टीम को चेस करने में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अब हम जानेंगे प्लेइंग 11 में चेंजेस के बारे में। बात करें अगर चेन्नई की, तो लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट ब्रावो इंजर्ड हो गए थे, तो उम्मीद है कि जॉश हेजलवुड उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें, तो ये अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में और बॉलिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज की उम्मीद नहीं है। अब हम बात करेंगे उन बड़े खिलाड़ियों की, जो आज के मैच में आपको पॉइंट्स जिता सकते हैं, यानी कि की प्लेयर्स की। विकेट कीपर्स की बात करें, तो नाम आता है MS धोनी का। हालांकि अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब जब ये बैटिंग के लिए आए हैं, इन्होंने बॉल को हिट करने का इंटेंट शुरू से दिखाया है। अगला नाम है जॉस बटलर का, ये भी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं और आज राजस्थान के लिए ये एक बड़ी इनिंग ज़रूर खेलेंगे। अगर बैट्समैन की बात करें, तो अंबाती रायडू ने शुरू से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट भी धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं पर अगर हम रॉबिन उथप्पा की बात करें, तो राजस्थान के लिए जब इन्होंने ओपनिंग करी, इन्होंने भी एक अच्छा स्कोर दिया था राजस्थान के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करें, तो बेन स्टोक्स पर सबकी नज़र रहेंगी, क्योंकि इन्होंने भी शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है राजस्थान के लिए। राहुल तेवतिया, स्टार ऑफ राजस्थान, इनके ऊपर भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि इन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में दमखम दिखाया है। अगर हम बॉलर्स की बात करें, तो जोफ्रा आर्चर पर्पल कैप की रेस में है, और साथ ही साथ दीपक चहर चेन्नई के लिए हमेशा की विकेट्स निकालते हैं। ये हैं वो की प्लेयर्स जो आज के मैच में अगर आप अपनी फैंटेसी की क्रिकेट में रखते हो टीम बनाते समय, तो आपको पॉइंट्स जिता सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की, जो आज फैंटेसी की टीम बनाते वक्त आपको अवॉइड करने चाहिए। चेन्नई की बात करें, तो नाम आता है केदार जाधव का। आउट ऑफ फॉर्म भी नज़र आ रहे हैं, और अगर बैटिंग करने का मौका मिला, तो अंडर प्रेशर आएंगे और बॉल्स भी कम खेलने को मिलेंगी, आपको पॉइंट्स थोड़े कम दिलाएंगे। अगला नाम आता है राजस्थान की टीम से जयदेव उनादकट का। इनकी परफॉर्मेंस तो एवरेज ही है, लेकिन लास्ट मैच में बैंगलोर के अगेंस्ट काफ़ी महंगे बॉलर साबित हुए थे ये। तो इन दोनों प्लेयर्स को आप आज के मैच के लिए अवॉइड कर सकते हैं, और फैंटेसी की टीम में बाकी प्लेयर्स को कंसीडर कर सकते हैं, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी टीम कॉम्बिनेशंस में। टीम कॉम्बिनेशंस में मैं आपको बताती हूँ वो प्लेयर्स जो मैंने स्पॉटी जैकपॉट पर अपनी फैंटेसी टीम में लिए हैं और क्यों। अगर विकेट कीपर्स की हम बात करें, तो नाम आता है MS धोनी का। इस सीज़न ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लास्ट सीज़न की बात करें, तो 15 मैचेस में इन्होंने 416 रन बनाए थे, एवरेज इनका 80 के आसपास रहा है। अगर ये अंडर प्रेशर खेलें और एक सेटल इन पोजीशन में आ जाएं, तो आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। बैट्समैन की बात करें, तो नाम आता है अंबाती रायडू का। चेन्नई की तरफ से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं, शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। अगर बात करें, इनका एवरेज 47 के आसपास रहता है, और अभी तक इन्होंने 237 रन्स बनाए हैं। इसी पिच पर मुंबई के अगेंस्ट इन्होंने 48 बॉल्स में 71 रन्स बनाए थे, एंड लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट भी अच्छी पारी खेली थी।
अगला नाम आता है रॉबिन उथप्पा का। राजस्थान की टीम से इन्होंने सेटल इन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद लास्ट मैच में बैंगलोर के अगेंस्ट ओपनिंग करते हुए 22 गेंदों में 41 रन बनाए हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के चलते अगर ये खिलाड़ी भी एक बार सेटल इन हो जाए तो आपको पॉइंट्स जिता सकता है स्पॉटी जैकपॉट पर। अगला नाम आता है फाफ डुप्लेसिस का। चेन्नई के लिए सीजन की शुरुआत में ही इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। इसी पिच पर मुंबई के अगेंस्ट इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई थी। लास्ट मैच में भी दिल्ली के अगेंस्ट इन्होंने अर्धशतक बनाया है। अगर ये बैट्समैन भी एक बार सेट हो जाए तो अग्रेसिवली हिट करता है और आपको रैंक दिला सकता है, और इसीलिए आज फैंटेसी की टीम बनाते वक्त मैंने इनको अपना कप्तान भी चुना है। अगला नाम आता है स्टीव स्मिथ का। इन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई, ये दिखाया कि मुझ में भी दमखम है बैंगलोर के अगेंस्ट, जब इन्होंने अपना अर्धशतक बनाया था 36 गेंदों में। अभी तक 9 मैचेस में इनका स्कोर है 220, और अगर ये भी एक बार सेटल इन हो जाए और अच्छी पार्टनरशिप इनकी बन जाए सामने वाले बल्लेबाज के साथ तो आपको पॉइंट्स जिता सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं और नाम आता है सैम करन का। ये ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के और सेम भूमिका निभा रहे हैं चेन्नई के लिए भी। बैटिंग करते हुए ये शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं और अब तो चेन्नई के लिए ओपनिंग भी कर रहे हैं। एज अ बैट्समैन 9 मैचेस में इनका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास रहा है, और एज अ बॉलर इन्होंने 9 मैचेस में 10 विकेट्स भी निकाली हैं। अगला नाम आता है राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया ने सारी पिचेस पर अपने आप को एज अ किंग एस्टैब्लिश किया है, बात चाहे बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो या फिर फील्डिंग की हो, ये हमेशा एज अ स्टार उभर कर आए हैं। इन्होंने अभी तक 222 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 45 के आसपास रहता है। एज अ बॉलर इन्होंने 9 मैचेस में 6 विकेट्स निकाली हैं, जहां पर इनका इकोनॉमी 7 से 8 के बीच में है। ये एक अच्छे फील्डर भी हैं और आपको पॉइंट्स भी दिला सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर और एज अ बॉलर भी। अगला नाम आता है बेन स्टोक्स का। ये एक अग्रेसिव क्रिकेटर हैं और एक बार सेटल इन हो जाए तो लंबे लंबे शॉट्स लगा सकते हैं, पिच चाहे दुबई की हो, आबू धाबी की हो या शारजा की हो। लास्ट मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने 35 गेंदों में 41 रन बनाए थे और अपनी टीम को मैच भी जितवाया था। अगर आज भी ये उसी दमखम के साथ खेले तो एक अच्छी इनिंग भी खेल सकते हैं और मेरे वाइस कैप्टन भी हैं तो मुझे पॉइंट्स भी जिता सकते हैं। बॉलर्स की बात करें तो नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। इन्होंने चेन्नई की तरफ से अभी तक 6 मैचेस खेले हैं और कॉन्स्टेंटली 9 विकेट्स निकाले हैं। इकोनॉमी इनका 8.5 के आसपास रहा है। बैंगलोर के अगेंस्ट इन्होंने देवदत्त पाडिकल और एबी डे विलियर्स की विकेट्स निकाली थी, और दिल्ली के अगेंस्ट सेट बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस की। चेन्नई की तरफ से ये की विकेट्स निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगला नाम आता है कार्तिक त्यागी का। राइट आर्म पेसर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में सबको इम्प्रेस किया था, और राजस्थान की टीम से भी अभी इन्होंने डेब्यू किया है। 5 मैचेस में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं। लास्ट मैच में बैंगलोर के अगेंस्ट इन्होंने सेट बल्लेबाज विराट कोहली की विकेट ली थी। अगला नाम है जोफ्रा आर्चर का। 9 मैचेस में 12 विकेट्स निकाल चुके हैं। इकोनॉमी इनका 6.5 के आसपास है और साथ ही साथ पर्पल कैप की रेस में भी है। अगेंस्ट दिल्ली इन्होंने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दिया था 0 पे, और उसके बाद विकेट्स निकाली थी अजिंक्य रहाणे एंड साथ ही साथ मार्कस स्टोइनिस की। 4 ओवर्स में इनका इकोनॉमी रेट 4.5 के आसपास रहा था। अंडर प्रेशर ये क्रूशियल विकेट्स निकालने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो गाइस, आज के धमाकेदार मैच चेन्नई वर्सेस राजस्थान में आपको कैसे फैंटेसी की टीम बनानी है स्पॉटी जैकपॉट पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना है काम, फटाफट से हमारी ऐप को डाउनलोड करना है www.spottyjackpot.com से। वहाँ पर ऐप पर आप टीम बनाइए, उसके बाद कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, और जैसे जैसे मैंने आपके साथ ट्रिक्स एंड टिप्स एंड सारा माहौल शेयर करा है मैच को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग फिर रिवॉर्ड्स जीतिए। एंड हाँ, साथ ही साथ लाइव मैच के दौरान हमारी प्रिडिक्शन की कुछ गेम्स भी चलती हैं। हम आपसे पूछते हैं कुछ आसान से सवाल जो मैच से ही रिलेटेड हैं, कि किसने कितनी विकेट्स निकालनी होंगी, कौन आज सेंचुरी बना सकता है। ऐसे ऐसे सवालों के आपको प्रिडिक्शन में जवाब देने हैं। अगर आपका प्रिडिक्शन सही निकला तो आपको मिलेंगे भर भर के कॉइन्स, जिनको फिर आप रिडीम करवा सकते हैं मर्चेंडाइज एंड गुडीज में। तो फटाफट से आप ये काम कीजिए। अगले मैच की अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।